ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य याद करें, जिस महान दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूँ वैसी ही महान दृष्टि से तुम भी स्वयं को देखो। सोचें जरा, जब बाबा आकर हमारे सम्मुख बैठते हैं और जब वो ऊपर से भी हम पर दृष्टि डालते हैं तो किस नजर से, ये मेरी महान आत्माएं हैं, ये वही हैं जिनके मंदिरों में पूजा होती रही है, ये वही हैं जिनके द्वारा अनेक मनुष्य भक्ति मार्ग में भी सुख पाते रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने कल्प कल्प मुझे बहुत मदद की है, ये वही हैं जिनको मैंने वरदानों और शक्तियों से भरपूर किया है, ये मेरे नैनों के नूर हैं, ये मेरे प्यार के पात्र हैं, ये मेरे अधिकारी बच्चे हैं, यही वो आत्माएं हैं जिन्होंने दो युग तक मेरे द्वारा रचे हुए सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग को संभाला। याद करें अपने महानताओं को, याद करें अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों को, याद करें इस जीवन में क्या मिल गया मुझे, ये सोचते ही चित्त आनंद विभोर हो जाएगा इस स्वमान में स्थित रहने से, सचमुच अभिमान छूटता जाएगा और सम्मान हमारे पीछे परछाई की तरह आएगा, किसी का भी अपोजिशन भी समाप्त हो जाएगा, जो आत्माएं बंधन में है, जिनका परिवारों में विरोध होता है, वो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर तो देखें, एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लें दो तीन स्वमान लेकर और देखें इसका इफेक्ट दूसरों पर कितना सुंदर होता है। हमारे सूक्ष्म अभिमान को ये स्वमान नष्ट कर देता है। बिना स्वमान के तो अनेक आत्माएं अपने सूक्ष्म अभिमान को पहचान भी नहीं पाती, वे अभिमान में रहती हैं, विमान के पीछे भटकती हैं, उन्हें इसका आभास नहीं होता, लेकिन स्वमान में स्थित आत्मा को मान के पीछे नहीं दौड़ना होता है, मान उनके पीछे पीछे चलता है और एक दिन आएगा सारा संसार उन्हें सम्मान देगा। तो आइए हम स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें, केवल हम ही हैं भगवान के बच्चे जो श्रेष्ठ स्वमानधारी हो सकते हैं। संसार में तो लोग अभिमान में रहते हैं, स्वाभिमान किसी किसी को रहता है पर अभिमान बहुत रहता है, अपने पद पोजीशन का अभिमान, अपनी जाति का अभिमान, अपने बल और धन संपदा का अभिमान, अपनी सुंदरता और अपने परिवार का अभिमान। मुक्त हों इससे, यह अभिमान हमारे जीवन को दिव्य नहीं बनने देता, यह अभिमान हमारे मार्ग में दीवार है जो हमारे वाइब्रेशंस को संसार तक नहीं पहुंचने देता। हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। आज सोचेंगे भगवान वाच, तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो और ये मान शान है टिमटिमाते हुए दीपक, तुमसे जग प्रकाशित होता है तुम सूर्य तुल्य हो, तुम इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो, तुम बहुत महान हो, तुम इस सृष्टि के आधार मूर्त हो, जहान के नूर हो, तुम्हारी स्थिति का प्रभाव संसार की स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है, अपने को पहचानो। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह स्वमान पर चिंतन करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य तुल्य आत्मा, कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्मा, इस जहान को दिशा और दशा देने वाली आत्मा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, इसलिए मेरा जीवन साधारण रूप से नहीं बीत सकता,
स्वमान में स्थित हो जाएं और दूसरों को भी स्वमान की नजर से देखें। इससे हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे, उनका कल्याण होगा, वो श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होंगे और साथ साथ अभ्यास करेंगे। ज्ञान सूर्य मेरे सम्मुख है, उनकी तेजस्वी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।